खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़, ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज, इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज, ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज, स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज, अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज, अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज, अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज, अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज, अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज, अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज, अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज, मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं।
तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने,
सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015। और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने।
और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने।
और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला
आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को
मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदों ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा।
तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं
यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है
ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015। और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है
देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए, तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए, तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए, तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें, तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है, तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए, तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए, तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए, तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने।
और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज़ अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज़ अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज़ अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला
आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदों ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को
मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा।
तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइस अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं
यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है
ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड एंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइस अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015। और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है
देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए, तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए, तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए, तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें, तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है, तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए, तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए, तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए, तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने।
और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइस अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला
आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदों ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को
मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा।
तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं
यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है
ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो भाई इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015। और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है
देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदों ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015। और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदों ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने।
और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है, जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला
आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को
मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को IMDb रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइज़ ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविंद्रनाथ शर्मा के द्वारा और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015 और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइस मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा।
तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने, और गाइस इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने, और गाइस ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइस स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज बाजपेयी। और गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने, और गाइस अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो इसके म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइस अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने, और गाइस अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स, और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपए रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी का काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं
यहाँ पे तेवर मूवी के बारे में, जो कि 2015 की मूवी है। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। तो गाइस ये मूवी डायरेक्ट की गई है अमित रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और इसका स्क्रीन प्ले बाई है शांतनु श्रीवास्तव और रविन्द्रनाथ शर्मा के द्वारा, और डायलॉग दिए हैं इसके शांतनु श्रीवास्तव ने। और गाइज इसकी स्टोरी दी है गुणशेखर ने। और गाइज ये मूवी आधारित है ओके काडू गुणशेखर द्वारा। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बब्बन जंगड़ी निम्बला ने, संजय कपूर ने, सुनील लुल्ला ने, नरेश अग्रवाल ने और सुनील मनचंदा ने। और गाइज स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज वाजपेयी। और गाइज अगर इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइज अगर इसकी एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एडिटिंग की है देवराव जाधवी ने। और गाइज अगर इस मूवी के सॉन्ग्स की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, तो इसके म्यूजिक को दिया है साजिद वाजिदो ने, और गेस्ट कंपनी है इसकी इमरान खान। और गाइज अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है क्लिंटन सेरेजो ने। और गाइज अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मैड इंटरटेनमेंट नरेश अग्रवाल फिल्म्स। और डायरेक्ट किया है इस मूवी को हीरोज इंटरनेशनल ने। और गाइज अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रिलीजिंग डेट है इसकी 9 जनवरी 2015, और टोटल रनिंग टाइम है मूवी का 159 मिनट, और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट 34 करोड़ रुपये रहा है, और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है। 76 करोड़ रुपये इसका मतलब टर्नओवर रहा है। तो गाइज काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी कमाई इस मूवी ने की है बॉक्स ऑफिस पर। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी है घनश्याम पिंटू शुक्ला आगरा का एक युवा कबड्डी खिलाड़ी है, जो अभ्यास में भाग लेने के लिए गुटबाजी प्रभावित मथुरा जाता है। वह भाग्य के एक मोड़ में वह एक नागरिक राधिका मिश्रा को एक गुंडे गजेंद्र सिंह से बचाता है, जो एक खतरनाक गुट का नेता है जो राधिका से प्यार करता और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी करना चाहता है। पिंटू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई महेंद्र को मार डाला। जब वह राधिका को बचाता है तो वह गजेंद्र को अपनी पैंट उतारने के लिए अपमानित करता है। गजेंद्र ने उन्हें तब तक पहनने के लिए मना कर दिया जब तक कि कोई राधिका को ढूंढकर वापस नहीं ले आता। पिंटू राधिका को भागने में मदद करता है और उसे अपनी बहन पिंकी की मदद से अपने कमरे में छिपाकर आगरा से अपने घर ले जाता है। तो गाइज मूवी की स्टोरी ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब हम इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग में 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली है। तो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है पर मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी का, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।